गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था, हम लोग अभी और प्रैक्टिस करेंगे इसमें। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और कुछ नहीं चाहिए। तो लास्ट क्लास देयर वाज अ प्रॉब्लम, वी हैव सीन दैट व्हाट एवर एसेट्स वी टेक ओवर फ्रॉम द ओल्ड कंपनी, फॉर ईच एसेट टेकन ओवर वी पे परचेस कंसिडरेशन, राइट? इन राइट, हम लोग हर एक एसेट जो भी हम लोग खरीदते हैं उसका हम लोग कंसिडरेशन देते हैं। तो अगर इंटर कंपनी लोन होगा तो इन दैट केस अगर मैं डायरेक्टली टेक ओवर कर रहा हूं तो आई एम ऑलरेडी गिविंग देम शेयर्स फॉर दैट, उस एसेट के लिए। और अगर मैं टेक ओवर नहीं कर रहा हूं तो जिसके बुक्स में वो लाइबिलिटी खड़ा है मैं उसको दूंगा, राइट? तो मैं इफ आई एम टेकिंग ओवर तो मैं लाइबिलिटी भी अज्यूम करूंगा और खरीदने के बाद में मैं कॉन्ट्रा कर दूंगा, राइट? ये चीज हम लोगों ने लास्ट क्लास देखा था। इस टाइप का सब बार बार जब आप प्रैक्टिस करते ना तो ऑटोमेटिकली इसमें जो कुछ टफ वाला कोई चीज नहीं है, जस्ट प्रैक्टिस चाहिए और कुछ नहीं। ओके, नाउ लेट अस डू नंबर 11। सुपर एक्सप्रेस लिमिटेड एंड फास्ट एक्सप्रेस लिमिटेड वेयर इन कंपीटिंग बिजनेसेस, दे डिसाइडेड टू फॉर्म अ न्यू कंपनी सुपर फास्ट एक्सप्रेस। तो सुपर और फास्ट मिला के सुपर फास्ट बनाने का कोशिश कर रहे हैं। बोला हम लोग एक दूसरे से कंपीट करके क्या फायदा, लेट अस कम टुगेदर। द बैलेंस शीट ऑफ बोथ द कंपनीज वेयर एज अंडर, दोनों का शेयर कैपिटल दिया हुआ है, नोट बनाया हुआ है, रिजर्व एंड सरप्लस का नोट बनाया हुआ है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस का भी नोट बनाया हुआ है, ठीक है? देन हमारा यहाँ पे ट्रेड पेबल है, ट्रेड पेबल है। देन वी हैव पीपीई, उसका नोट बनाया हुआ है, इंटेंजिबल्स का नोट बनाया हुआ है, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वेरी गुड। शेयर कैपिटल में इफ यू सी प्रॉपरली इट इज 20,000 शेयर्स इन दिस केस एंड इट इज 10,000 शेयर्स इन दिस केस, राइट? सुपर एक्सप्रेस का 20,000 शेयर, 100 रुपए वाला 20 लाख, ओके। ये अलग अलग टाइप के रिजर्व्स होते हैं, इंश्योरेंस रिजर्व है, एम्प्लॉय प्रॉफिट शेयरिंग रिजर्व है, रिजर्व अकाउंट एंड सरप्लस। सरप्लस इज बेसिकली पीएल एंड ये हमारा जनरल रिजर्व हो गया, राइट? लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में हमारा प्रोविडेंट फंड है, राइट? ग्रेच्युटी, रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं ना, हमने प्रोविडेंट फंड का प्रोविजन बनाया है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, इंटेंजिबल एसेट्स में गुडविल है, इधर में कैश एट बैंक में, ये दो चीज है। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ बोथ द कंपनीज, राइट, वे टेकन ओवर बाय द न्यू कंपनी एट देयर बुक वैल्यूज। द कंपनीज वेर अलॉटेड इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 इच इन लियो ऑफ परचेस कंसिडरेशन अमाउंटिंग टू ₹30,000। 30,000 शेयर होगा हमको लग रहा है। जस्ट लेट मी जस्ट हैव अ चेक विद द क्वेश्चन। ऐसे गलत दिया हुआ है, 30,000 शेयर होगा, 20,000 शेयर सुपर, सुपर एक्सप्रेस को दे रहे हैं एंड 10,000 शेयर फास्ट एक्सप्रेस को मिल रहे हैं। दे स्लाइट प्रिंटिंग मिस्टेक,
ठीक है। नाउ दे हैव टोल्ड अस टू प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ सुपरफास्ट एक्सप्रेस कंसिडरिंग पूलिंग मेथड। इसका मतलब दिस इज अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। नाउ ध्यान दीजिएगा, परचेज कंसिडरेशन बहुत सिंपल है। पीसी टू सुपर एक्सप्रेस लिमिटेड 20,000 शेयर्स इंटू 100 20 लाख। पीसी टू फास्ट एक्सप्रेस लिमिटेड 10,000 शेयर्स इंटू 100 10 लाख राइट। सो टोटल सब्स टू 30 लाख परचेस कंसिडरेशन। ना अपने को सीधा बैलेंस शीट बनाने बोला है, अपने को दे हैव टोल्ड अस टू प्रिपेयर स्ट्रेट अवे बैलेंस शीट। तो अपन क्या करेंगे, एक तरीका अपने जर्नल एंट्री करेंगे राइट। ना होता क्या है, सुपर एक्सप्रेस फास्ट एक्सप्रेस ये दोनों को मिला के सुपर फास्ट एक्सप्रेस बन रहा है। मतलब इसका एसेट लाइबिलिटी रिजर्व एंड सरप्लस, इसका भी एसेट लाइबिलिटी रिजर्व एंड सरप्लस सब टेक ओवर हो रहा है। इट मींस लाइन बाय लाइन एडिशन, यस और नो, लाइन बाय लाइन एडिशन ऑफ एसेट लाइबिलिटी एंड रिजर्व एंड सरप्लस एंड दिस इज माय पीसी न्यू शेयर इश्यूड। अच्छा एक बात और बताना, परचेज मेथड में व्हाट इज एंट्री नंबर टू, एसेट इनकॉर्पोरेटेड एट मार्केट वैल्यू, लाइबिलिटीज इनकॉर्पोरेटेड एट मार्केट वैल्यू, दिस इज नेटो है ना, दिस इज कंपेयर्ड विथ पीसी। पीसी इज मोर देन नेटो, व्हाट इज द रिजल्ट, गुडविल, पीसी लेस देन नेटो, वी हैव कैपिटल रिजर्व। नाउ इन केस ऑफ ओल्ड कंपनी, सॉरी इन केस ऑफ मर्जर मेथड, ओल्ड कंपनी को तो ये सब अप्लाई नहीं करता है। एसेट इनकॉर्पोरेटेड एट बुक वैल्यू, लाइबिलिटी इनकॉर्पोरेटेड एट बुक वैल्यू, रिजर्व एंड सरप्लस इनकॉर्पोरेटेड एट बुक वैल्यू। तो इसको नेटो नहीं बोल सकते अपन, क्योंकि रिजर्व्स भी टेक ओवर हो रहा है।
सो दिस इज शेयर कैपिटल ऑफ ओल्ड कंपनी वर्सेस परचेस कंसिडरेशन। डिफरेंस इज प्रॉफिट एंड लॉस। यहां पे एंट्री नंबर टू का जो डिफरेंस होता है प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। पीसी अगर ज्यादा है शेयर कैपिटल ऑफ ओल्ड कंपनी से, सो दिस इज पीएल डेबिट। पीसी अगर लेस देन है शेयर कैपिटल ऑफ ओल्ड कंपनी से, दिस इज पीएल क्रेडिट। अगर डायरेक्टली बैलेंस शीट बनाने बोलेगा तो दिस हैज टू बी द फंडा। इज इट फाइन एवरी वन? क्योंकि मैंने ओल्ड कंपनी का सब कुछ खरीद लिया तो बचा शेयर कैपिटल ऑफ ओल्ड कंपनी, उससे मैं कितना शेयर उसको दे रहा हूं तो डायरेक्टली मेरे को आ जाएगा डिफरेंस। तो अगर अपने को क्वेश्चन में डायरेक्टली, अगर अपने को क्वेश्चन में डायरेक्टली बैलेंस शीट भी बनाने बोलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाली लाइन बाय लाइन एडिशन करना है बस। तुम्हारा वाला जो शेयर कैपिटल है उसके बदले में परचेस कंसिडरेशन में मैंने जो इश्यू किया वो आएगा, राइट? नाउ अभी पीएल का डिफरेंस है कि नहीं चेक कर लेते हैं। पीसी वॉस 20 लाख, कोई डिफरेंस नहीं है। यहां पे पीसी 10 लाख, अगेन कोई डिफरेंस नहीं है, राइट? सो देयर इज नो पीएल डेबिट क्रेडिट, डिफरेंस इन पीएल है ही नहीं एंट्री नंबर टू में। ठीक है, आइए लेट अस मूव। ठीक है, आई गेस ये समझ में आ गया सबको। चलिए बैलेंस शीट बनाएंगे अब हम लोग। सुपर फास्ट एक्सप्रेस लिमिटेड, कोई डेट नहीं दिया हुआ है। न्यू कंपनी का कर रहे हैं,
इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। सबसे पहले हाँ शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करेंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, इसमें खाली प्रोविडेंट फंड है, करेंट लाइबिलिटी में हमारे पास ट्रेड पेबल है, एसेट में सबसे पहले नॉन करेंट एसेट, इसमें भी है पीपीई, नोट थ्री, इंटेंजिबल्स में हमारे पास खाली गुडविल है, जब एक होगा तो नोट नहीं बनाएंगे। करंट एसेट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, सीसीई, ठीक है। शेयर कैपिटल हमने जो इश्यू किया वो आएगा, बाकी सब पुराना कंपनी का लाइन बाय लाइन ऐड कर देंगे, और जब मैं शेयर कैपिटल इश्यू कर रहा हूं तो तुम्हारे वाला जो शेयर कैपिटल है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, तो कोई पीएल का बैलेंसिंग फिगर नहीं आएगा। एंट्री नंबर टू वाला बात हो रहा है, तो एंट्री नंबर टू करने का ये शॉर्टकट है। एंट्री नंबर टू में जो डिफरेंस आता है ना उसका ये शॉर्टकट है। तो 20,000 सुपर को, 10,000 मेरे को, 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 इच, फुल्ली पेड 30 लाख। आउट ऑफ अबव 30,000 इक्विटी शेयर्स, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, डन। नोट टू, रिजर्व एंड सरप्लस, इंश्योरेंस रिजर्व खाली मेरा है सुपर का 1 लाख, एम्प्लॉय प्रॉफिट शेयरिंग रिजर्व 60,000 खाली फास्ट का है, दोनों का रिजर्व ऐड होगा ना। रिजर्व अकाउंट में 1 लाख बैलेंस है, सरप्लस अकाउंट में 1 लाख बैलेंस है, थ्री लाख 60।
जस्ट चेक कर लेता हूँ। बहुत बढ़िया, सब लाइन बाय लाइन ऐड हो रहा है। शेयर कैपिटल खाली नया वाला आएगा, बाकी सब लाइन बाय लाइन ऐड होगा। लॉन्ग टर्म प्रोविजन में प्रोविडेंट फंड है खाली मेरा 1 लाख। सिक्सटी मेरा, 40 तेरा, 1 लाख। थर्टी फाइव लाख 60,000। पीपीई लैंड एंड बिल्डिंग जोड़ो दोनों का। कितना है? 10 लाख प्लस 6 लाख, और प्लांट में से 4 और 5। दस और छह हो गया 16 लाख। पच्चीस लाख गुडविल मेरा नहीं है, तुम्हारा 1 लाख, दोनों को ऐड कर देंगे। इन्वेंट्री ऐड होगा, ट्रेड रिसीवेबल ऐड होगा, सब लाइन बाय लाइन सारा एसेट। किसी का नोट है तो नोट वाइज ऐड करेंगे, अदरवाइज बैलेंस शीट से ऐड कर देंगे। 3 लाख प्लस 40, ये बैलेंस शीट जो आप देख रहे हैं ना, इसमें सब लाइन बाय लाइन ऐड हो रहा है सारा। प्लस 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 है नोट से। प्लस प्लस खाली ये वाला नया आएगा जो कंपनी इशू किया है, ওটা তো দেখাতেই হবে না, নলে নোট বানাও। হ্যাঁ সময় থাকলে নোট বানাবে, নলে এখানে দেখাবে। 3 লাখ প্লাস 40, 2 লাখ 40 প্লাস 40। থ্রি ল্যাক প্লাস 40,000। टू लैख 40 प्लस 40, कैश का बनाना है। नोट थ्री, नोट फोर, सॉरी यहां पे बना लेता हूं कैश बैंक। कैश है 1 लाख प्लस 10,000, वन लाख प्लस 10,000।
35 लाख 60,000। तो डायरेक्टली भी आप बैलेंस शीट बना सकते हैं। अल्टीमेटली आप एंट्री नंबर वन में क्या करते हैं, बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर, फिर उस बिजनेस परचेज में आप चिंगारी लगाते हैं तो एसेट्स निकलता है, लाइबिलिटीज निकलता है, रिजर्व निकलता है। तो दो ओल्ड कंपनी है, दोनों को लाइन बाय लाइन ऐड कर देंगे, राइट। एंट्री नंबर थ्री में आप परचेज कंसिडरेशन देते हैं, तो जब लाइन बाय लाइन ऐड करेंगे तो शेयर कैपिटल दोनों का ऐड नहीं होगा, जो मैंने जो शेयर इशू किया वो ऐड होगा बस, और तो कुछ है नहीं। तो डायरेक्टली अगर बैलेंस शीट बनाने आएगा तो आप डायरेक्टली बैलेंस शीट बना सकते हैं। इसमें कुछ ऐसा बड़ा बात नहीं है, कर नहीं कर कर पाने वाला कोई बात नहीं है। दीज आर ऑल डूएबल्स। आइए नेक्स्ट नंबर 12 करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। पीएनवी का बैलेंस शीट दिया हुआ है, शेयर कैपिटल का इसका इसका नोट्स नीचे मिलेगा, ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ठीक है। दिस इज द लाइबिलिटी साइड, दिस इज द एसेट साइड, कॉमन सा चीज है, इसमें कुछ ऐसा बड़ा बात नहीं है। नाउ दिस इज स्टैट्यूटरी रिजर्व, मैंने आपको बताया था ना, परचेज मेथड होगा तो नया कंपनी को अलग से एंट्री करना पड़ेगा, और अगर पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड हुआ तो उसमें रिजर्व भी टेक ओवर होता है तो अलग से एंट्री करने का दरकार नहीं है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग ठीक है, ये सब ठीक है, कोई बड़ा बात नहीं इसमें, नॉर्मल सा चीज है। अब नीचे पढ़ते हैं, ऑल बिल्स रिसीवेबल हेल्ड बाय वी लिमिटेड वेयर पी इज एक्सेप्टेंस, मतलब वी के बुक्स में जो बी आर है वो पी का बिल्स पेबल है। ऑल द बिल्स रिसीवेबल हेल्ड बाय वी लिमिटेड वेयर पी लिमिटेड एक्सेप्टेंस, ठीक है। अभी आप जैसे देखिए नीचे में ट्रेड रिसीवेबल और ये दिया हुआ है, मतलब मेरे बुक्स में ये जो बिल्स रिसीवेबल है ये तुम्हारा बिल्स पेबल है, तो मैं तुम में जाऊं या तुम मेरे में आओ, कॉन्ट्रा होगा कॉमन अमाउंट का, डिफरेंस का नहीं, कॉमन का, बिल हेल्ड
हो सकता है मेरा और भी कोई बिल्स पेबल हो। इसमें बिल्स पेबल वी का है 80 और अदर्स हो सकता है 40, ऐसा भी हो सकता है, या ऐसा भी हो कि बिल्स रिसीवेबल था 120 का ही, लेकिन इसमें मैंने बिल डिस्काउंट करा लिया बैंक के साथ 40 का, तो अल्टीमेटली मेरे बैलेंस शीट में 80 बचा है। मेरा बिल्स रिसीवेबल 80 है, तो वो तुम्हारा बिल्स पेबल में है, एंड यू हैव मोर बिल्स पेबल, यू माइट बी हैविंग अदर बिल्स पेबल, और देयर माइट बी ए केस दैट इफ ऑल दिस बिल्स पेबल इज टुवर्ड्स मी, तो मेरे पास भी बिल्स रिसीवेबल 120 का होना चाहिए, लेकिन मेरा बिल्स रिसीवेबल 80 क्यों है? मे बी आई हैव डिस्काउंटेड द बिल विद द बैंक। इज इट फाइन? हाँ? बट अपन को ये वाला केस मानना है कि इसमें इसका जो बिल्स पेबल है वी लिमिटेड का 80 है, अदर्स का 40, तो 80-80 कॉन्ट्रा हो जाएगा। पी टुक ओवर वी, सो दिस इज न्यू, दिस इज ओल्ड, ठीक है ना? इट वॉज अग्रीड टू डिस्चार्ज द कंसिडरेशन फॉर द बिजनेस, पी लिमिटेड वुड अलॉट 3 फुल्ली पेड अप, फॉर एवरी 2 शेयर्स इन वी लिमिटेड। और डिवेंचर को बदल के मैं तुमको अपना डिवेंचर दे दूंगा सेम अमाउंट का। तो इक्विटी शेयर को बदली में इक्विटी शेयर ही मिल रहा है, हाँ है ना? और डिबेंचर होल्डर को जो मैं दे रहा हूं, मैं खरीद रहा हूं उसके बाद मैं उसको दे रहा हूं, इट मींस आई एम अज्यूमिंग लाइबिलिटी फर्स्ट एंड देन आई एम सेटलिंग हिम। लास्ट क्लास किया था जो, क्या था? आई वॉज नॉट अज्यूमिंग लाइबिलिटी, आई एम गिविंग यू शेयर फॉर दैट ऑल्सो, यू सेटल योर सेल्फ। तो मेरे को जब शेयर मिला ओल्ड कंपनी को, तो मैंने उसमें से थोड़ा सा लोन में दिया, वही लोन वाला एक्स को रिसीव हुआ, राइट? बट हियर आई एम टेकिंग ओवर, आई एम अज्यूमिंग लाइबिलिटी, गॉट माई पॉइंट? तो पीसी कम आएगा कि ज्यादा आएगा? कम आएगा ना, आई एम अज्यूमिंग लाइबिलिटी, आई एम सेटलिंग दिस सेपरेटली। इफ आई एम अज्यूमिंग दिस, पीसी कंपैरेटिवली कम आएगा। अगर मैं बोलता नहीं तुम डिबेंचर होल्डर को तुम ही सल्टाओ, देन यू डिमांड मोर ना, मोर एसेट्स टेकन ओवर मोर पीसी आई विल गिव, लेस लाइबिलिटी टेकन ओवर मोर पीसी आई हैव टू गिव, मोर लाइबिलिटी टेकन ओवर लेस पीसी आई विल गिव। राइट? 1 लाख का खर्चा पी लिमिटेड कर रहा है, तो अपने को न्यू कंपनी बोला है। देखो न्यू कंपनी का जर्नल एंट्री एंड उसका बैलेंस शीट, फर्स्ट टेल मी इट इज मर्जर मेथड और परचेज मेथड। मर्जर मेथड पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड लगेगा यहां पे। व्हाट आर द 5 कंडीशंस? इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ वी, दे अग्री टू बिकम इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ पी, इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ वी आर गिवेन इक्विटी शेयर इन पी,
ऑल एसेट लाइबिलिटी टेकन ओवर एट बुक वैल्यू एंड बिजनेस ऑफ वी विल बी कैरिड बाय न्यू डन इज इट फाइन। तो एक कंडीशंस मुंह में याद रखना, फाइव कंडीशंस सेटिस्फाइड, एनी फाइव नहीं है, ऑल फाइव। अच्छा इसका शेयर कैपिटल कितना है? तो यहां पे स्टैट्यूटरी रिजर्व का एंट्री अलग से नहीं करना है, एक साथ हो जाएगा ना। अच्छा छह सौ लाख शेयर, 10 रुपए का मानेंगे, कुछ नहीं बोला है तो शेयर का वैल्यू इज 10 रुपीज। हाँ, और आई एम गिविंग यू थ्री शेयर्स, फॉर एवरी टू हाँ दोनों का ही। चलिए परचेस कंसिडरेशन अमाउंट पेबल बाई पी लिमिटेड टू इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ वी लिमिटेड, डन। फॉर एवरी टू शेयर्स न्यू कंपनी इज गिविंग थ्री शेयर्स, सिक्स हंड्रेड लाख शेयर्स ऑफ ओल्ड कंपनी, तो नया कंपनी का एक एक शेयर का दाम है 10 रुपया। दिस इज 9,000 लाख। दिस विल गिव 900 लाख शेयर्स पी लिमिटेड विल इशू, नाउ जस्ट टेल मी
डिफरेंस इन पीएल विल बी कंपेयर्ड विद व्हाट? पीसी माइनस शेयर कैपिटल ऑफ वी लिमिटेड, 9000 माइनस 6000 दैट इज 3000 लाख, एंड दिस विल बी व्हाट? पीएल डेबिट बैलेंस। एंट्री करने के पहले मैं एंट्री नंबर टू का डिफरेंस बता दिया। ठीक है, दिस इज ओल्ड, दिस इज न्यू। हर दो के बदले में तीन शेयर, ये वी लिमिटेड का शेयर है ये। डन, आइए। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ पी लिमिटेड, और याद रहे पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड है। ऑल फिगर्स आर इन लैक्स, रुपीज इन लैक्स, डेबिट। सबसे पहला जर्नल एंट्री क्या होगा? बिजनेस परचेस टू लिक्विडेटर ऑफ वी लिमिटेड, एसेट खरीदेंगे, लाइबिलिटी खरीदेंगे, रिजर्व भी खरीदेंगे वी लिमिटेड का, राइट?
डिफरेंस 3,000 आएगा, वो मैं दिखा भी दूंगा तुमको अभी। इसका लैंड नहीं है, प्लांट 5,000, फर्नीचर 1750। अच्छा इंटेंजिबल्स है क्या? ठीक है, इसको अलग अलग ब्रेकअप करके लेना पड़ेगा। ठीक है लेता हूँ, चलो एक एक करके। प्लांट एंड मशीनरी कितना है? 5,000। फर्नीचर 1750। इन्वेंट्री डेटर अलग आएगा, बिल्स रिसीवेबल अलग आएगा। कैश अलग आएगा। इन्वेंट्री 4041। ट्रेड रिसीवेबल का ब्रेकअप नीचे दिया हुआ है। हजार, 20 और 80। और कैश है 609। 4041, 1,020, 80, 609। एक लाइन छोड़ के सारा लाइबिलिटी, इसमें खाली क्रेडिटर्स है 463 का, चेक करो। क्रेडिटर है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन 702। डिवेंचर्स इन वी लिमिटेड कितने का है? 1,000। डन। ठीक है, सारा रिजर्व लेंगे, फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस। कितना है फॉरेन प्रोजेक्ट? 310। जनरल रिजर्व 3,200 और 825। दैट्स इट। बींग एसेट लाइबिलिटी रिजर्व एंड सरप्लस इनकॉर्पोरेटेड एट बुक वैल्यू।
डिफरेंस करके देखो कितना आ रहा है। पीएल डेबिट 3,000 आएगा, जस्ट चेक। तो कुछ छोड़ दिया होगा हम लोग, फिर वी माइट हैव लेफ्ट समथिंग। नहीं कैलकुलेट करो ठीक से, आएगा गलत कैलकुलेशन कर रहे हैं। तीन हजार ही आएगा बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पीसी पेमेंट करेंगे। लिक्विडेटर ऑफ वी लिमिटेड डेबिट, कितना? तुम्हारा डिबेंचर को बदल के अपना वाला दे देते हैं। डिबेंचर इन वी लिमिटेड डेबिट 1,000, बदली में 13% डिबेंचर मैं अपना वाला दे रहा हूं। बिंग डिबेंचर एक्सचेंज्ड, मेरा वाला बिल्स पेबल कम हो जाएगा 80 से, और तुम्हारा जो मैंने बिल्स रिसीवेबल लिया 80, वो पूरा कम कर दूंगा। म्यूचुअल इनडेटेबनेस सेट ऑफ,
1 लाख का मैंने खर्चा भी दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा टू कैश या बैंक जो भी, उसमें हमारा गुडविल में जाता है, बीइंग लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पेड बाय पी लिमिटेड। पीसी दे दिया, बदल के नया डिबेंचर दे दिया, म्यूचुअल इंडेबटनेस सेट ऑफ कर दिया, तुम्हारा डिबेंचर लेके नया डिबेंचर दे दिया, म्यूचुअल इंडेबटनेस सेट ऑफ कर दिया और लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पे ऑफ कर दिया। बैलेंस शीट भी बोला है, तो पी लिमिटेड का जो बैलेंस शीट बनेगा दैट इज ओन प्लस जर्नल एंट्री, राइट? तो ये तो मर्जर मेथड है। तो पी लिमिटेड का जो एसेट लाइबिलिटी रिजर्व एंड सरप्लस है, उसके साथ एसेट लाइबिलिटी रिजर्व एंड सरप्लस लाइन बाय लाइन एडिशन, खाली ध्यान क्या देना है कॉन्ट्रास्ट का जो म्यूचुअल सेटअप हुआ और डिफरेंस जो आया था 3,000 का और ये खर्चा का, बस। और शेयर कैपिटल मेरा वाला जो इश्यू किया वो लिखेंगे, राइट? परचेज मेथड में यू कैन नॉट से लाइन बाय लाइन एडिशन, लाइन बाय लाइन एडिशन होता है बट मार्केट वैल्यू पे होगा। मेरा जो अपना बैलेंस शीट का फिगर है वो तो है ही, प्लस तुम्हारा मैं जो लिया हूं मार्केट वैल्यू पे, तो उसमें लाइन बाय लाइन बोलने से बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, उसको जर्नल एंट्री कर देख के करने से ठीक रहता है, लेकिन मर्जर में यू कैन गो फॉर लाइन बाय लाइन एडिशन। ठीक है, सबसे पहला शेयर होल्डर फंड, इसमें आएगा शेयर कैपिटल नोट 1,
15,000 शेयर कैपिटल मेरा अपना है, मतलब 1500 शेयर। और 900 मैंने तुमको दिया, तो 2400 लाख इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच, 24,000 आ गया। आउट ऑफ अबव 900 लाख शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, सब लाइन बाय लाइन एडिशन होगा। मेरा अपना कितना है, फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व 310, नीचे नोट में मिलेगा। तीन हजार सिक्योरिटी प्रीमियम, तुम्हारा सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है। जनेजब 9,500 प्लस 3,200 कितना आ रहा है, 12,700 पीएल। टू एट सेवन जीरो प्लस 825 माइनस 3,000 माइनस 1, दोनों को ऐड करेंगे है ना। टू एट सेवन जीरो प्लस 825 माइनस पीएल डेबिट है माइनस 1, अगेन पीएल डेबिट कितना आ रहा है, 694 पक्का, कितना टोटल करो रिजर्व एंड सरप्लस का। अरे टोटल टा थर्टीन परसेंट डिबेंचर है नया वाला, मेरा अपना कुछ भी नहीं था।
करंट लाइबिलिटी में एक तो ट्रेड पेबल है, इसमें बिल्स पेबल और क्रेडिटर दोनों आएगा, तो इसका नोट बनाएंगे। और एक मेरा शॉर्ट टर्म प्रोविजंस है, ट्रेड पेबल में पहले क्रेडिटर बताओ, मेरा क्रेडिटर कितना है? बिल्स पेबल में 120 प्लस 0 माइनस 80, बिल्स पेबल में 40 बचेगा। 1080 प्लस 463, ये देखो ये ऐड होगा इसमें, ये प्लस 0 माइनस 80 कॉन्ट्रा, कितना आ रही है? 1583। शॉर्ट टर्म प्रोविजन कितना है? 1380, 1380 की 1830, 1830 प्लस 702 जो खरीदा, कद अच्छे 2532, तो व्हाट इज द टोटल? देन वी गो फॉर एसेट्स, फोर 45819। नौ पीपीई का नोट बनाना है तो बना लो, आई एम जस्ट एडिंग इट टोटल, क्योंकि मेरा और तुम्हारा में कोई चेंज नहीं है। व्हाट इज माय टोटल एंड योर टोटल? यू कैन प्रिपेयर नोट एंड ऐड इंडिविजुअली, यू विल गेट द सेम टोटल। व्हाट इज इट? दिस इज ऑल्सो आई एम डूइंग 2230467502, 2230 प्लस 6750 कितना आ रहा है? 29054। देन करेंट एसेट में नंबर वन इज इन्वेंट्री, कितना कितना इन्वेंट्री बोलो? फोर जीरो फोर वन, हम 1190 3। नॉट ट्रेड रिसीवेबल में बिल्स रिसीवेबल तो हट गया, मेरे पास तो मेरा बिल्स रिसीवेबल तो है ही नहीं। इधर तो इसका अपना बिल्स रिसीवेबल है ही नहीं, ये तो सेटअप हो गया। तो खाली दोनों का डेटर ऐड करो, 2120 प्लस 1020, 2120 प्लस 1020 कतो 3140। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, व्हाट वाज माइन? 1114 प्लस 609 माइनस वन जो एक्सपेंसेस दिया,
1722, व्हाट्स द टोटल? जस्ट हैव अ लुक। ठीक है, आप पीपीई का भी नोट बना सकते थे, सबका, जिसका जिसका नोट टाइम बचेगा, यू कैन मेक इट, नो प्रॉब्लम, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम वेदर यू मेक नोट और नॉट। सो दिस इज लास्ट क्वेश्चन। सन एंड नेपच्यून हैड बीन कैरिंग ऑन बिजनेस इंडिपेंडेंटली, दे अग्रीड टू अमलगमेट एंड फॉर्म अ न्यू कंपनी जुपिटर लिमिटेड। ठीक है, अमलगमेशन का समय, मतलब ये दोनों ओल्ड कंपनीज हैं, दीज आर ओल्ड कंपनीज एंड दिस इज न्यू कंपनी। नया कंपनी का ऑथराइज कैपिटल होगा 4,80,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹5 इच। ठीक है, ऑन 31 मार्च 2023 दोनों का रेस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन आर एस फॉलोज। दोनों का शेयर कैपिटल दे दिया, राइट? दोनों का शेयर कैपिटल क्वेश्चन में दे दिया है, क्लियरली बता दिया। करंट लायबिलिटी दे दिया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दे दिया, करंट एसेट दे दिया। ठीक है, एसेट्स को रिवैल्यूड फिगर पे टेक ओवर हुआ है, इसका मतलब ये कौन सा मेथड हो जाएगा? जुपिटर लिमिटेड विल फॉलो, बोलो, परचेज मेथड, सीधा एकदम, माथा ही नहीं लगाना है। ये सब एसेट है ना। सी, इफ आई मेक फॉर सन, 635 एसेट है, 327 एसेट है, राइट? 365 कैपिटल, 597 लाइबिलिटी। थोड़ा बहुत रिजर्व का होगा जो भी। सो इंस्टेड ऑफ गिविंग बैलेंस शीट, दे हैव गिवन लाइक दिस, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो रिवैल्यूड फिगर दे दिया नॉन करंट एंड करंट एसेट का। डेटर एंड क्रेडिटर इंक्लूड 43, ये तो इन म्यूचुअल इंडेबटनेस से टेकओवर के बाद का चीज है।
पोस्ट अमलगमेशन, परचेज कंसेशन इज सैटिस्फाइड बाय इश्यू ऑफ फॉलोइंग शेयर्स एंड डिबेंचर्स। सिक्सटी थाउजेंड शेयर्स ऑफ जुपिटर टू सन एंड नेपच्यून इन प्रपोर्शन टू द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ देयर रेस्पेक्टिव बिजनेस बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स। सो कैलकुलेट इन तीनों का सम, डिवाइड बाय 3 करो, एवरेज कितना आ रहा है? टू सेवन फाइव ट्रिपल जीरो। इसका नेपच्यून का डिवाइड बाय 3 के करबे, मतलब ये जो 60,000 शेयर है 275, 325 का रेशियो में बांटेंगे। तो अल्टीमेटली दिस वन विल गो इतना शेयर, इसको इतना शेयर मिलेगा। ठीक है, अभी इनको डिबेंचर भी मिल रहा है, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर को यहां पे इक्विटी शेयर भी मिल रहा है, डिबेंचर भी मिल रहा है। ये जो डिबेंचर मैं दे रहा हूं, ये डिबेंचर होल्डर के लिए नहीं दे रहा हूं, गॉट माई पॉइंट? किसके लिए दे रहा हूं? ये इक्विटी शेयर होल्डर के लिए दे रहा हूं। बोला 15% डिबेंचर इन जुपिटर लिमिटेड एट पार टू प्रोवाइड एन इनकम इक्विवेलेंट टू 8% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब प्रेजेंटली कैपिटल एम्प्लॉयड जो है उसका 8% जो आएगा दैट विल बी द डिबेंचर होल्डर का इंटरेस्ट, एंड द रेट ऑफ न्यू डिबेंचर इज 15%। सो अकॉर्डिंगली यू विल गेट द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर इश्यूड। तो ध्यान से सुनना मेरा बात, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब नेटो, सबसे पहले हम लोग को नेटो निकालना पड़ेगा। सन भी ओल्ड कंपनी है, नेपच्यून भी ओल्ड कंपनी है, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, दिस विल गिव मी नेटो एंड दिस इज नथिंग बट कैपिटल एम्प्लॉयड। राइट, यही एसेट है और कुछ है ही नहीं। सेवन टेन थ्री नाइनटी, 299,500, 157,750। ऐड करके बताओ।
करंट लायबिलिटी कितना है? इसका मार्केट वैल्यू नहीं दिया तो बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू ले लेंगे, 597,180,250। कितना? 187। कितना है ये? एक सेकंड, एटा को दो। ठीक है। अब ध्यान से सुनना, नोट टू, परचेज कंसिडरेशन, पीसी टू सन, पीसी टू नेपच्यून, अमाउंट पेबल बाय जुपिटर टू इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ ओल्ड कंपनी। समझ में आया? दोनों चीजें हम इक्विटी शेयर होल्डर के लिए दे रहे हैं, तुम्हारे लिए नहीं दे रहे हैं। सबसे पहले हम इक्विटी शेयर दे रहे हैं, सिक्सटी थाउजेंड शेयर्स इन 275:325 रेशियो। है सो 60,000 इंटू 275/600 होल इंटू 5। सिक्सटी थाउजेंड इंटू 325/600 होल इंटू 5। नया कंपनी का एक एक शेयर का दाम 5 रुपया है। कितना आएगा? 1,3। हाँ, 1,6। ठीक है, तो इतना इतना शेयर मिलेगा। फिफ्टीन परसेंट डिबेंचर भी दे रहा हूं,
ध्यान से सुनना, जो कैपिटल एम्प्लॉयड है इसका पहले 8% निकालो, राइट? तो इतना कमाई होना चाहिए डिबेंचर होल्डर का। तो इतना कमाई होने के लिए मैं 15% वाला दे रहा हूं, तो कितने का डिबेंचर दूंगा? इसमें 367,500 का 8% कितना रही वाला? और इधर तो पीसी कितना आ रहा है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बोला 60,000 शेयर दे रहा हूं इस रेशियो में, एवरेज प्रॉफिट का रेशियो में, और एक एक शेयर का दाम है 5 रुपया। बोला 8% रिटर्न होना चाहिए, प्रेजेंट कैपिटल एम्प्लॉयड का 8% रिटर्न होना चाहिए। तो 8% रिटर्न मतलब 33,000 होना चाहिए पहला केस में। तो 33,000 होना चाहिए, मैं तुमको जो डिबेंचर दे रहा हूं वो 15% वाला है, तो कितने का दूंगा? तो 33,000 आ जाएगा, 2,20,000 का। 2,20,000 का 15% करो, 33,000 दैट इज इक्वल्स टू 4,12,500 का 8%। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में चीज किया है हम लोग, इंटरेस्ट को सेम रखना है। ठीक है, नाउ वी कैन डू वन मोर थिंग। वंस वी हैव गॉट पीसी, हम लोग एक चीज और कर सकते हैं यहां पे। नेटो मालूम है, पीसी को नेटो से कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा? गुडविल कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। करो कितना आ रहा है देखो, चार बारह 500, यहां पे नेटो ज्यादा है। कैपिटल रिजर्व को तो 55, और इधर में भी नेटो ज्यादा है। कतो 80 कैपिटल रिजर्व,
টোটাল কত হচ্ছে? ৬৪,০০০। दोनों केस में नेटो ज्यादा है, मतलब सस्ते का सौदा हुआ है। ठीक है, सो जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ जुपिटर लिमिटेड, नाउ काफी जन डायरेक्टली बैलेंस शीट नहीं बना पाएगा, सो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करिएगा, जर्नल एंट्री से बनाने से ठीक रहता है, मर्जर में प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सबसे पहला बिजनेस परचेज डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ सन, लिक्विडेटर ऑफ नेपच्यून कितना है इसका पीसी? ₹357,500। इसका 358,500। बिजनेस परचेस्ड एंड पीसी ड्यू कितना आ रहा है? हाँ, नॉन करेंट एसेट डेबिट, करेंट एसेट डेबिट एक लाइन छोड़ के टू करेंट लाइबिलिटी टू बिजनेस परचेज, इसका कितना कितना है देखो तो ऊपर में जो नेट है वही खरीदा है, दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, 710 + 390। करंट एसेट जोड़ो 299,500 प्लस 457,250। करंट लायबिलिटी 777,250। डिफरेंस देखो, बीइंग एसेट लाइबिलिटी इनकॉर्पोरेटेड एट मार्केट वैल्यू 64,000 आएगा, 2 कैपिटल रिजर्व बैलेंसिंग फिगर,
हाँ बस खाली इसमें रिजर्व्स नहीं लेना, परचेज मेथड है ना दिखाना है। हाँ लिक्विडेटर ऑफ सन डेबिट 357,500। टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना जाएगा एंड टू 15% डिबेंचर कितना जाएगा? ये तो 2,20,000 जाएगा। वन 37,500 बीइंग पीसी पेड, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर भी दे रहे हैं और डिबेंचर भी दे रहे हैं। नेपच्यून डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 15% डिबेंचर 358,500 पीसी पेड, और लास्ट वाला आएगा करंट लायबिलिटी डेबिट टू करंट एसेट कितना था कॉन्ट्रा 43,350। ये शेयर कैपिटल में आएगा 162,500 और 1,00,000 हो गया, और तो कुछ है ही नहीं। अब इस जर्नल एंट्री के बेसिस पे कितना टाइम लगा इसको बनाने में? ज्यादा टाइम नहीं लगता है, क्विकली वी हैव मेड इट। अब इसके बेसिस पे हम लोग को जर्नल एंट्री जो किया बैलेंस शीट बना लेंगे। तो क्या करना है, खाली एसेट दिखाना है, रिजर्व में खाली कैपिटल रिजर्व आएगा, शेयर कैपिटल आ जाएगा, डिबेंचर आ जाएगा और करंट एसेट करंट लायबिलिटी में ये सेट ऑफ दिखा देंगे। ऑलरेडी इसमें दोनों का जोड़ा हुआ है, खाली म्यूचुअल इंडेबटनेस सेट ऑफ होगा, तो इसका बैलेंस शीट होमवर्क रहेगा। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम द एमलगमेशन चैप्टर। पास्ट ईयर क्वेश्चन तो हम लोग लास्ट में करेंगे, सो नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद सम अदर चैप्टर, मोस्टली वी विल स्टार्ट विद होल्डिंग कंपनी। ठीक है, बाय बाय।